ते मन ला एक चीज है जनता पार्टी मुर्दाबाद चार करोड़ रुपया को लेफ्ट कर दिया 14 लाख को लेफ्ट कर दिया तो घंटा यहाँ विद्युत का कनेक्शन यहाँ पे किसानों को हित में काम कर सकते हो आप। और डी साहब लोगों की गलती नहीं है, वो साला चले गया भूल गया ना, उसको सब लोग समझ रहे हैं, हम भी समझते हैं। रात भर मच्छर का साहब नाम ना लोग मतलब यही चलते आ रहे हैं और बिजली का बिल 2 गुना 3 गुना बढ़ा रहे हैं और सरकार बात करती है सुशासन की। किसान मन हाँ अपन मेहनत से कमाते खाते ठीक है, अधिकारी मन कुर्सी तोड़त बैठे है, वो कागर पैसा हमर पैसा से कंपनियां है, इसमें 24 घंटे का 24 घंटा बिजली रहता है और हमारे यहाँ दिन में 10 बार रात में 20 बार ऐसा लाइट बल हो रहा है। राजनांदगांव जिले में बिजली मेंटेनेंस के नाम पर लगातार घंटों बिजली का बंद होना अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, वही आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम अर्जुनी में कांग्रेसियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन एक दिवसीय था। इस प्रदर्शन में तीखे शोर में 3 बार के विधायक दलेश्वर साहू ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और वे लगातार उन्हें बताते रहे कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन भी किया गया और वे पूरे शहर को भ्रमण करते हुए स्थानीय विद्युत विभाग पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने अपनी बात कही। इस दौरान कई ऐसे ग्रामीण भी थे जो अपनी पीड़ा हमें बता रहे थे। बहरहाल पूरी खबर को लेकर हम उस क्षेत्र में पहुंचे जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। हम आपको खबर की एक एक बारी की बातें बताने जा रहे हैं। आप हमें इस खबर को देखने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहरहाल मेंटेनेंस को लेकर पूरे जिले भर में कहीं न कहीं विद्युत का बंद होना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, वही अब ये आक्रोश जन आंदोलन ना ले ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों आने वाले दिनों में ये कैसा रूप अख्तियार होगा ये अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये प्रदर्शन भी एक बड़ा प्रदर्शन है विद्युत को लेकर। नमस्कार, मैं कविता, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ऑनली नेशन। आइए मदन साहू जी से बात करते हैं जिन्होंने आज कांग्रेस नेताओं के द्वारा आज आंदोलन किया गया है अर्जुनी गांव में। जब से ये विष्णु साय की सरकार बने हैं तब से हर क्षेत्र में नाकामी है। आज हमन अघोषित बिजली कटौती के संदर्भ में यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे कि अघोषित बिजली कटौती बड़ा दुर्भाग्य हम सबके लिए कि हमर छत्तीसगढ़ के पानी, हमर छत्तीसगढ़ के कोयला, हमर छत्तीसगढ़ के सब चीज हमर बीच में है। जिले सरप्रज बिजली के केंद्र छत्तीसगढ़ कहे गए है, यहाँ पे हम मतलब बिजली कटौती वो भी कोई निर्धारित समय नहीं है अघोषित। यहाँ तक कि 15 अगस्त के दिन जिले हमारे राष्ट्रीय पर्व मानथन वहाँ के दिन भी इस क्षेत्र में बिजली कटौती रही। एक विरोध में हमन आज प्रदर्शन करे हन और एक ज्ञापन सौंपे हन कि तत्काल 1 सप्ताह के अंदर यदि ये बिजली कटौती ला बंद नहीं करे जाही, सिस्टम में नहीं लाया जाही तो बहुत बड़े उग्र आंदोलन करे जाही। अभी पता चले विधायक जी बता रही कि राजनांदगांव जिला में 180 करोड़ 44 लाख के पैसा यहाँ पे रखे हुए, तेकर मात्र 3% के यहाँ उपयोग करेगी है, बाकी 97% पैसा रुके हुए है जो 1-8 महीना में वापस चले जाए। एक अलावा एक सामान्य विधि होते होकर ही पैसा यहाँ लगभग 18 करोड़ यहाँ पे रुके हुए है। ये प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, इकर कमजोरी है, इकर लाचारी के वजह से हम आज बिजली कटौती किसे जुड़ना पड़ते एक विरोध में हम सब उपस्थित। किसानों हित में ये प्रशासन को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, वो समय पर कर नहीं पा रहे हैं। विद्युत कटौती, लो वोल्टेज की समस्या इतना गंभीर है कि सरकार आए हुए पैसे को खर्चा नहीं करना, कितना निकम्मी सरकार है। मैं आपको बताना चाहूंगा अखिलेश, 180 करोड़ 44 लाख रुपया जो सन 2025 में खत्म हो जाना चाहिए, वो 3%। मैं कितना महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ इसको, आप लोग उनको पूछिएगा, डॉक्टर रमन सिंह को पूछिएगा, बिल्कुल उनको 3% प्रोग्रेस। एक सामान्य मत का मैंने बताया था मेरे ज्ञापन में, पढ़ लेना, 18 करोड़ रुपए एक सामान्य मत में आया हुआ है, उसका पैसे को लेप्स कर दिया 4 से 5 करोड़ रुपया। इसका जवाब उनसे पूछिए, रिटर्न हो गया गवर्नमेंट। अब आपका समय में काम नहीं करोगे। और 54 लाख रुपए मैंने जिला पंचायत से, जिला पंचायत को ही हमने 54 लाख रुपए दिए हैं,
उनका पैसे का भी उपयोग नहीं कर पाए, ये जिला पंचायत सीओ को पूछिए आप, है ना। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का, अधिकारियों का, कोई अंकुश नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, खाली पैसा कमाने में, दारू बेचने में, ठेकेदारी करने में अपना समय को गंवा रहे हैं। और हम कांग्रेसी अलर्ट हैं और समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। अभी तो शुरुआत, ये केवल डोंगरगांव क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। आप देखिएगा कि अघोषित बिजली कटौती के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे ग्रामीण जनता को परेशान किया जा रहा है, और ये जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से हो रहा है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरगांव तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया बिजली की समस्या को लेकर, जिसके लिए उन्होंने ज्ञापन, आज विधायक महोदय स्वयं उन्होंने सबके साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर ज्ञापन दिया और एक हफ्ते का समय मांगा है। एक हफ्ते में सुधार हो जाएगा, उचित कार्रवाई आगे हो जाएगी।